नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आज जो चैप्टर हैं वो सेल से रिलेटेड हैं और बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। आज हम करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है वो 14 जुलाई को आने वाली। कब होगी आपकी एग्ज़ाम? आपकी एग्ज़ाम जो होगी 14 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। और एक मिनट रुकना है ना, 14 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। मिटोसिस निम्नलिखित सभी में घटित होता है। मिटोसिस सभी में घटित होता है, सिवाय किस में घटित नहीं होता है? चलिए पहला क्वेश्चन। और आपके लिए हमने 2000 वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको परचेस करना है तो अभी आपके पास समय है, अभी परचेस कर लीजिए। उसका जो चार्ज रहेगा मात्र मात्र 99 रुपये रहेगा। 99 रुपये में आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, 2000 आईएमपी। उसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। डेमो के लिए मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें भी डेमो दिखा दीजिए। एक बार डेमो ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि CGBSE डेमो प्रैक्टिस से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि मिटोसिस निम्नलिखित सभी में घटित होता है सिवाय किसके? तो युग्म को गठन से, युग्म के गठन से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए, दूसरा लिखा हुआ है सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन में जीव द्रव्य कला प्लाज्मा ब्रेन को वेधन या पंचर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? वेरी वेरी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन में जीव द्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वेदन पंचर करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं पीपेट का। किसका करते हैं? पीपेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए आपके सामने। एक जेल में डीएनए किसकी उपस्थिति के कारण कैथोड से एनोड की ओर गतिशील होता है? एक जेल में डीएनए किसकी उपस्थिति के कारण कैथोड से एनोड की ओर गतिशील होता है? देखो एग्जाम के टाइम पे पढ़ना बहुत जरूरी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन है। वेरी वेरी गुड। तो एक जेल में डीएनए किसकी उपस्थिति के कारण? ऋणात्मक आवेशित फास्फेट के कारण। किसके कारण? ऋणात्मक आवेशित फास्फेट के कारण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है शरीर से रक्त बह के कम हो जाने के लिए चिकित्सा संबंधी पद जो है वो कहलाता है आपका हेमोरेज। हेमरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेमरेज कहलाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव आँख के अंधेरे के प्रति अनुकूलन की विशेषता नहीं है? अनुकूलन की विशेषता किसकी नहीं है बताइए? अनुकूलन की विशेषता, वेरी वेरी गुड। अनुकूलन की विशेषता जो है पुतली का कसाब। कौन सा? पुतली का कसाब। ये आपके अनुकूलन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सदर्न ब्लास्टिक तकनीक किसके द्वारा खोजी गई थी? सदर्न ब्लास्टिक तकनीक किसके द्वारा खोजी गई थी? सदर्न ब्लास्टिक तकनीक जो है ईएफ सर्दन के द्वारा खोजी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सेल्युलर श्वसन के लिए कोशिका अंग में से कौन सा आवश्यक है? सेल्युलर श्वसन के लिए निम्नलिखित कोशिका अंग में से कौन सा आवश्यक है? वेरी वेरी, कौन सा आवश्यक है? राइबोसोम, गुणसूत्र, सूत्रकणिका या केंद्रक? तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, सूत्रकणिका। लिखा हुआ है सेल्युलर श्वसन के लिए जो कोशिका अंग है वो आ जाएगा आपका सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? कौन सा वर्ग केशुरिकी से संबंधित नहीं है? केशुरिकी से संबंधित कौन सा नहीं है? मीन, उभयचर, एनेलिड, सरीसृप।
कौन सा वर्ग केशुरिकी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, एनेलिड। एनेलिड जो होता है ये केशुरिकी से संबंधित नहीं है। एकाइनोडर्मेटा में गति किसके माध्यम से होगी? एकाइनोडर्मेटा में जो गति होगी वो किसके माध्यम से होगी? एकाइनोडर्मेटा में गति जो होती हैं वो नली ट्यूब पाद के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से? नली ट्यूब पाद के माध्यम से होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एरोबाइल कली के रूप से श्वसन नहीं करती? कौन सी कोशिकाएं जो हैं वायु जीव रूप से श्वसन नहीं करती? वेरी वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब है, लोहित कोशिकाएं। कौन सी? लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं जो होती हैं वो वायु जीव रूप से श्वसन नहीं करती। किसमें दोहरा निषेचन होता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। दोहरा निषेचन किसमें होता है? दोहरा निषेचन किसमें होता है? दोहरा निषेचन किसमें होता है? सी एनजियोस्पर्म में। एनजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन जो होता है वो एनजियोस्पर्म में होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में रूपांतरण को उत्प्रेरित करेगा? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज के एथेनॉल में रूपांतरण को उत्प्रेरित करेगा? कौन सा एंजाइम? ऑप्शन आपका जाइमेज। जाइमेज जो हो जाएगा वो ग्लूकोज के एथेनॉल को के रूपांतरण को उत्प्रेरित करेगा। किस सेल आर्गेनल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है? किस सेल आर्गेनल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में होगा। किस सेल के आर्गेनल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है? तो आपका लाइसोसोम हो जाएगा। कौन डीएनए में मौजूद नहीं होता? बताइए कौन जो होता है वो आपके डीएनए में मौजूद नहीं होता है? डीएनए में मौजूद कौन सा नहीं होगा? सब याद है आपको? देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको इसका, कौन डीएनए में मौजूद नहीं होता है। तो यूरेसिल जो होता है ये डीएनए में मौजूद नहीं होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र किस कोशिकाओं में होंगे? 23 गुणसूत्र किस कोशिकाओं में होंगे? स्पर्म में। किसमें? स्पर्म में जो होते हैं वो आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। स्पर्म में आपके 23 गुणसूत्र होंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, क्रोमोसोम निम्न में से किस चरण के दौरान, क्रोमोसोम जो होता है निम्न में से किस चरण के दौरान भूमध्य रेखा पर खुद को रेखांकित करता है? क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान भूमध्य रेखा पर खुद को रेखांकित करेगा? बताइए। मेटाफेज। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी बहुत बार पूछा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संयोजी ऊतक की निम्न कोशिकाओं में से कौन हिस्टामिन का स्त्रावण करती है? संयोजी ऊतक की निम्न कोशिकाओं में से कौन जो होता है वो हिस्टामिन का स्त्रावण करती है?
मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं, मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सी स्टैमिन का स्त्रावण करती हैं? तो मास्ट कोशिका। चलिए, कोशिका चक्र के निम्न अवस्था में से किसमें डीएनए खुद की प्रतिकृति बनाता है? डीएनए खुद की प्रतिकृति कैसे बनाएगा? यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी, एस अवस्था में बनाएगा। कौन सी कोशिका चक्र के निम्न अवस्थाओं में से किसमें डीएनए खुद की प्रतिकृति बनाता है? तो एस अवस्था आ जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सी संरचना प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती हैं? कौन सी संरचना प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती? केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण ये जो होता है ये प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता। निम्न में से कौन सा जीव सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और पूरी तरह से कोशिका भित्ति रहित हैं? निम्न में से कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और पूरी तरह से कोशिका भित्ति रहित हैं? कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी है, माइक्रोप्लाज्मा, और इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ग्वानिन और साइटोसिन क्षारक के बीच कितने हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं? ग्वानिन और साइटोसिन क्षारक के बीच कितने हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं? तीन। कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली किसने बनाई थी? कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली किससे बनी थी? लाइसोसोम से। लाइसोसोम डीएनए निहित केंद्र के अलावा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? डीएनए निहित केंद्र के अलावा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका माइटोकांड्रिया। प्राकेंद्रक कोशिकाओं में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग अंग। प्राकेंद्रक कोशिकाओं में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? वेरी गुड, राइबोसोम। राइबोसोम आ जाएंगे। चलिए, किसे जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई माना जाता है? किसे जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई माना जाएगा? तो कोशिका को संरचनात्मक, कोशिका को संरचनात्मक और मौलिक इकाई माना जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली की रचना जो होता है वो सेल्युलोज, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन, सेल्युलोज और प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की रचना किसमें होती है? वेरी गुड, प्लाज्मा झिल्ली की रचना जो होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली की रचना जो होती हैं वो होती है प्रोटीन और लिपिड। उस ऊतक को पहचानना है जिसमें कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य, पतली सेल्यूलोज भित्ति एवं प्रमुख केंद्र के साथ बहुत सक्रिय होता है और उन्हें रिक्तियों की कमी होती है। उस ऊतक को पहचानना है जिसमें कोशिका सघन कोशिका द्रव्य, पतली सेल्यूलोज भित्ति और प्रमुख केंद्र के साथ बहुत सक्रिय होती हैं और उसमें जो रिक्तियों की कमी जो होगी वो किस में होगी? कौन से ऊतक में? विभिज्योतक ऊतक। क्रोमोसोम किसके बने होंगे? क्रोमोसोम जो होंगे वो किसके बने होंगे? डीएनए और प्रोटीन। बिल्कुल सही, क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होंगे। डीएनए के कार्यात्मक भाग के रूप में किसे जाना जाता है? डीएनए के कार्यात्मक भाग के रूप में किसे जाना जाएगा? डीएनए के कार्यात्मक भाग के रूप में किसे जाना जाएगा? जीन को जाना जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं के आकार की परास आमतौर पर क्या होती है? प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं के आकार की परास आमतौर पर क्या होती है?
9 से 10 यूरो। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, और जिनको 2000 वेरी आईएमपी क्वेश्चन लेना है वो बता सकते हैं, उनको डेमो एक बार ज़रूर देख लेना। 99 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, तो आपको देखो उसमें क्या रहेगा, सेट बनाए हैं 20 सेट है, तो आपके रोज़ दो दो सेट लग जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। जिनको लेना है वो यूँ समझना कि 100 रुपये ज़्यादा लगे हैं फॉर्म भरने में, लेकिन ले लेना, ठीक है। डेमो देखने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें CGBSE का प्रैक्टिस सेट लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और मैंने चैनल पर सारी प्लेलिस्ट बना दी, अभी तक जितने भी क्लास हुई हैं सभी आप एक बार ज़रूर देख कर जाए एग्ज़ाम में। चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष।